अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग तमाम ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो शेयर करने लगी हूँ। आप में से तमाम लोगों को क्लीजिंग करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा कि आप अपने फेस की क्लीजिंग कीजिए, अपने फेस को आप बहुत ही ज़्यादा जो है डर्ट इम्प्योरिटीज जो है बचा सकते हैं, अपने फेस को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं, अपनी स्किन को ब्राइट कर सकते हैं, अपनी स्किन को लाइटन अप कर सकते हैं और अपनी स्किन की बहुत ही अच्छी सी केयर कर सकते हैं क्लीजिंग के ज़रिए। लेकिन मसला कहाँ पर आता है कि जब हम पार्लर में जाकर क्लीजिंग करवाते हैं तो हमें बहुत ही अमेजिंग सा उसका रिजल्ट मिलता है। हमारी स्किन जो वो बहुत ही रेडिएंट ग्लो कर रही होती है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनिंग उसके ऊपर आती है। लेकिन जब वही क्लीजिंग हम अपने घर के अंदर अप्लाई करते हैं तो हमें वो रिजल्ट जो है वो बिल्कुल नहीं मिल पाता है जो कि हम पार्लर के अंदर अचीव करते हैं। तो आज वही सीक्रेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि आप लोग घर में रहते हुए किस तरीके से क्लीजिंग को करेंगे बेस्ट वे के अंदर, जो कि आपको बिल्कुल पार्लर वाला ही ग्लो देगी। तो चलिए प्रॉपर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आप लोग वो मिल सके और आप उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो आप लोगों को क्या चाहिए, सबसे पहले आप कोई भी क्लिनजर जो है वो ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर इस वक्त जो मौजूद है वो ईशा वालों का क्लिनजर जो है वो मौजूद है, ठीक है। ऑल स्किन टाइप वालों के लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास घर में जो भी क्लिनजर मौजूद हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो इस क्लिनजिंग को करने के लिए जो कि बिल्कुल आपको पार्लर वाला ही ग्लो देने वाली है, तो आप जितनी अमाउंट आपको फेस के लिए अपनी चाहिए उतनी अमाउंट के अंदर सबसे पहले आप अपना क्लिनजर जो है वो ले लीजिए। मैंने यहाँ तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर जो है यहाँ पर क्लिनजर जो है ले लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर क्या यूज़ करने लगे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट होता है पार्लर के अंदर, सबके सामने इसको ऐड नहीं किया जाता है, वो होता है यहाँ पर वाइटनिंग कैप्सूल, ठीक है। तो एक वाइटनिंग कैप्सूल जो है आपको अपने इस क्लिनजिंग के अंदर जो है ऐड करना है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद होता है कोजिक एसिड जो कि आपकी स्किन को स्टैंड जो है वो ब्राइट करता है, वाइट करता है। तो हम क्या करेंगे कि एक कैप्सूल लेके इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये आपको ख्याल रखना है कि एक से ज़्यादा जो है आपको अपनी क्लिनजिंग के अंदर ऐड बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैंने भी यहाँ पर क्या किया है कि एक वाइटनिंग कैप्सूल जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। जितना भी इसके अंदर से लिक्विड आपको मिलेगा वो आपको उसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड इंग्रेडिएंट और लास्ट इंग्रेडिएंट हम इसके अंदर यूज़ करने लगे हैं कि जो कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त इस क्लिनजिंग के अंदर रिजल्ट देने वाला है, वो होगा हमारा यहाँ पर शाइनर। शाइनर आपको पता है कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सिर्फ आप अगर शाइनर को भी अपने फेस के ऊपर डेली अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो रेडियंट ग्लो करने लगती है, क्योंकि शाइनर का काम ही आपकी स्किन के ऊपर चमक लेकर आना होता है, आपकी स्किन को ग्लो देना होता है। तो हम क्या करेंगे कि इस शाइनर को जो है इस क्लिनजिंग के अंदर जो है ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसकी क्वांटिटी का भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। 1 टीस्पून के बराबर हमने यहाँ पर शाइनर को ऐड कर दिया, क्योंकि शाइनर हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसकी किसी भी किस्म की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त ग्लो लेकर आता है, चमक लेकर आता है, आपकी स्किन को लाइटन अप करता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से फिंगर की हेल्प से ही इसको मिक्स कर लिया है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको ब्रश की हेल्प से करते हैं तो आधे से ज़्यादा अमाउंट तो आपके ब्रश के अंदर ही लग जानी है। इसलिए मैंने इसको फिंगर की हेल्प से जो है यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, अपनी नेक और फेस को अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद आप क्लीजिंग करेंगे। पूरे 5 मिनट तक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सर्कुलर मोशन के अंदर जो है अपने फेस और नेक का जो है वो मसाज करना है, ठीक है। आपको वीक के अंदर 1 से 2 दफ़ा जो है अपने फेस का जो है अच्छी तरीके से मसाज कर लिया करें, क्योंकि स्किन केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है वो हेल्दी रहे, आपकी स्किन के ऊपर जो है किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो फिर आप लोगों को अपनी स्किन केयर जो है वो लाजमी फॉलो करनी होगी, तभी आप अपनी स्किन को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो ट्रीट कर सकेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से जो मसाज कर रही हूँ, मसाज आपको पूरे 5 मिनट तक करना है, सर्कुलर मोशन के अंदर करना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि इसको वेट स्पंज से या टिश्यू वगैरह की हेल्प से आप इसको जो है वो क्लीन अप कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छी तरीके से जो मसाज किया था, मसाज करने के बाद जितना भी क्लीनिंग थी वो अच्छी तरीके से मेरी स्किन के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो गई है, ठीक है। आप लोगों को नज़र नहीं आ रही होगी लेकिन यहाँ मेरी स्किन के अंदर बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो गई है। उसके बाद मैंने इसको जो है क्लीन अप कर लिया है। क्लीन अप मैं यहाँ पर टिश्यू की हेल्प से कर रही हूँ, आप चाहें तो स्पंज की हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज मैंने वो मेथड आप लोगों के साथ शेयर किया है जो कि सीक्रेट होता है पार्लर के अंदर। जब आप क्लीनिंग जाके करवाते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है।
है। तो इसी तरीके से आप अपने घर में रहते हुए अपने फेस की क्लिनजिंग कीजिए, ठीक है, अपने पैसे भी बचाइए, अपना वक्त भी बचाइए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल बहुत ही ज़्यादा जो है महंगाई जो है उस पर आ गई है। तो आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि पार्लर में जाके आप बहुत ही ज़्यादा खर्चा करें। आप इस मेथड से जो है, इस ट्रिक से आप अपने घर के अंदर रहते हुए बहुत ही बेहतरीन क्लिनजिंग जो है वो कर सकते हैं और बेस्ट रिजल्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट जो है वो लाजमी कीजिए। जब आप लोग इस क्लिनजिंग को ट्राई करें तो अपना फीडबैक जो मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा कि आपने इसको ट्राई किया जाए तो आपको इसका रिजल्ट जो है वो किस तरीके का मिला। आई होप आपको इसके बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा आप किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं, कौन सी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हैं, तो ये भी आप कमेंट में लाजमी बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद भी आई होगी। आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखेंगे, मुझे दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।